हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, सीटेट का आज दूसरा दिन एग्ज़ाम था। पहला 28 दिसंबर से स्टार्ट था, आज 29 दिसंबर को भी एग्ज़ाम हुआ है। समझ गए कहाँ से क्वेश्चन आया वो बात करेंगे, समझ गए। कल भी आपको बताए थे कि प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है और आज के भी एग्ज़ाम में आपका प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन आया। देखिए, स्टूडेंट एग्ज़ाम दी है तो उस समय बात हुआ है, फिर अभी फोन से बात किए हैं। अभी तो एग्ज़ाम से निकल गए, अभी तो दोनों पेपर हो गया है। देखिए उस समय क्या बोलिए, देखिए जब निकली है तब वो मैसेज की थी। देखिए क्या लिखा हुआ कि इजी क्वेश्चन आया था सर, पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ट पिगट कोहलवर वाइगोस्की। देखिए आपको हम बताए थे कि सीडीपी में आपका क्या आता है, वाइगोस्की से आता है, पियाजे से आता है, आपका कोहलवर्ग से आता है। कोहलवर्ग से भी पूछा था, टीट टैट मतलब किस पे होता है, करो जैसे कि तैसे वाला, समझे, वो सब पूछा था। फिर उसके बाद देखिए हिंदी का भी बहुत आज इजी पेपर था, क्योंकि आपका सुगोपली यानी एल एस आर डब्ल्यू से क्वेश्चन आपका आया हुआ था, समझ गए। आपका चार कौशल है उससे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, समझ गए, यानी पठन विकार। और देखिए नीचे लिखा है कि सर हिंदी का जो पेपर था वो बच्चा वाला था, यानी हल्का क्वेश्चन था, पैडागोजी हल्का रहा होगा, समझ गए, इंडियन फ्लैग वगैरह से आया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग आप थे, देखिए 29 के बाद अब एग्ज़ाम एक बार आपका 9 से शुरू हो रहा है, समझ गए। तो आप लोग इस बीच में कुछ नहीं कीजिए, आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है इससे पिछले बार दिसंबर 2021 में, उसको आप बेस मानते हुए, समझ गए, और उसको जितना भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, या मैथ हुआ, या हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी हो, या आपका पेपर टू में जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप उस पर वही क्वेश्चन पढ़िए और इसी बेस के आधार पर आप तैयारी कीजिए, समझ गए। उसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए वही आपके लिए सही है, समझ गए। इधर उधर के चक्कर में पढ़िएगा फिर आप गड़बड़ा जाइएगा, समझ गए आप, क्योंकि दो दिन आपका पिछले बार भी आप क्वेश्चन पैटर्न दे सकते हैं, एक फिक्स पैटर्न है सीटेट का, उस पर क्वेश्चन आता है आपका, समझ गए। वृद्धि विकास हो गया आपका, मोटिवेशन हो गया, आकलन हो गया, समझ गए ना, अधिगम विकार हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो ये सब फिक्स टॉपिक है आपका, वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सब क्या है, फिक्स एक पैटर्न पर इसका क्वेश्चन एक फिक्स है, समझ गए। या ईवीएस में जो एनसीईआरटी का तो 3 से 5 में आपका पढ़ना है, बाघ के बारे में हो गया, स्लॉट हो गया, या जो भी चीज़ है, मधुमक्खी हो गया आपका, केचुआ हो गया, जो भी है, तो ये सब से क्वेश्चन आता है, फिक्स चीज़ है। फिर पैडागोजी में जो आपका है थीम से क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीज़ तो इससे एक्स्ट्रा नहीं पड़ी है। अब मेंडल वगैरह हो गया तो ये सब से क्वेश्चन आपका आता है, समझ गया। तो प्रीवियस ईयर बेस्ट ही दोनों, मतलब कल भी और आज भी आया, तब आगे आने वाले जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ट ही क्वेश्चन आएगा, समझ गए। इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो भी लोग का एग्ज़ाम है जैसे 9 से अब स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, तो आप लोग एकदम एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ गए। बहुत जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, समझ गए। सीटीपी में पियाजे ये सब पढ़ लीजिए, ईवीएस में जितना एनसीईआरटी का है वो पढ़ लीजिए, समझे। मैथ में कैलकुलेशन इजी ही आ रहा है, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जोड़ घटा गुणा भाग करने होगा तो आराम से आप बना दीजिएगा, कैलकुलेशन सिंपल आता है, समझ गए। उतना भी भारी कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर हिंदी हो गया, तो ये सब सोशल साइंस या साइंस जो भी हुआ का पेपर टू में, तो क्वेश्चन कोई अति नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर वेस्ट ही आ रहा है। आप लोग भी क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर को बनाइए, समझ गए, और इधर उधर के नहीं आए कि ये क्वेश्चन आ रहा है वो चीज़ नया चीज़ पढ़वे नहीं कीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 हो गया, आपका एनसीएफ हो गया, सामवेशी शिक्षा हो गया, ये सब फिक्स है, ये सब आएगा आपका, कोई भी शिफ्ट हो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, समझ गए। तो सोचें कि आपको बता देते हैं कि 29 दिसंबर को भी क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर से ही पूरा क्वेश्चन आ रहा है, उसी बेस्ट पर क्वेश्चन। आप डिजिट चेंज कर दिया, मान लीजिए आपका पिछले बार मधुमक्खी में पूछ दिया है कि छत्ते के लिए कौन मधुमक्खी महत्वपूर्ण होती, इसमें दे दिया कि श्रमिक मधुमक्खी क्या काम होता है, मतलब तो घुमा फिरा के वहीं पर आपका आएगा क्वेश्चन, समझ गए। इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर बनाइए, समझ गए। पियाजे में क्रमबद्धता क्या होता है, किस अवस्था में बच्चा व्यापी चिंतन नहीं कर पाता है, जीववाद का गुण किसमें होता है, समझ गए, तो ये सब चीज़ है। अमूर्त चिंतन किसमें होता है, अमूर्त चिंतन किसमें होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण किसमें आता है, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिए, ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, समझ गए। थैंक यू।